हे गाइस, दिस इज रघु। लास्ट टाइम हम लोग ने वेल्डिंग, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग के बारे में पढ़ा था। उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़े थे। एयरक्राफ्ट में हम लोग अलग अलग मटेरियल्स का वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग कैसे करते हैं, सब के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग एयरक्राफ्ट वेट एंड बैलेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे। एयरक्राफ्ट का वेइंग क्यों करते हैं, एयरक्राफ्ट का बैलेंसिंग क्यों किया जाता है, वो सब के बारे में पढ़ेंगे एंड उसका इम्पोर्टेंस के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एयरक्राफ्ट को अगर आप सेफली एंड एफिशिएंट मैनर में ऑपरेट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट का विंग एंड बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई एयरक्राफ्ट को आप सर्टिफाई करवाते हैं तो वो सर्टिफिकेट के अंदर जो है मैक्सिमम वेट एंड लिमिट जो उसको पर मैंशन किया जाता है, लिमिट ऑफ बैलेंसिंग एंड मैक्सिमम वेट जो उस पे वेट के साथ वो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर सकता है। अलग अलग टाइप के मैक्सिमम वेट्स होते हैं तो आगे वाली वीडियोस में हम लोग बताएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखना कि मैक्सिमम वेट रहता है एंड इट इज़ मेंशन इन द सर्टिफिकेट। तो मैक्सिमम वेट किस पर डिपेंड करता है? मैक्सिमम वेट जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द विंग, सरफेस एरिया ऑफ द पूरा एयरक्राफ्ट, शेप ऑफ द विंग, वो डेल्टा विंग है, स्वेप बैक विंग है, इवन हो सकता है कोई इलेप्टिकल विंग है, कौन सा टाइप का विंग है, उसका शेप कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका अलाउबल वेट कितना होगा। लिफ्ट कितना जनरेट करता है एयरक्राफ्ट का, जो एयरक्राफ्ट आप जिसको आप मैक्सिमम लिफ्ट, मैक्सिमम वेट पता कर रहे हो, उसका लिफ्ट कितना है, वो कितना लिफ्ट जनरेट करता है, ये सब जो है आपके मैक्सिमम अलाउबल वेट के साथ लिंक्ड है। वो सब ये सब उसी के बेस पर हम लोग मैक्सिमम अलाउबल वेट को कैलकुलेट किया जाता है। तो जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ जनरल एविएशन प्लेन। तो इस केस में अगर आप 200 माइल्स पर आवर के हिसाब से वो टेक ऑफ वेट, उसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 200 माइल्स पर आवर है, तो इन दैट केस आपको सेफली अगर आप एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना चाहते हैं तो आपका वेट जो है 200 माइल्स पर आवर से कम होना चाहिए। आपके एयरक्राफ्ट का वेट जो है 200 माइल्स पर आवर से कम रहेगा तो आप एयरक्राफ्ट को सेफली हैंडल कर सकते हैं, वरना दुनिया भर का इंसिडेंट हो जाएगा। द एयरक्राफ्ट इज़ नो मोर सेफ इफ इट ऑल द यू आर एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट ऑफ 200 माइल्स पर आवर। एंड नेक्स्ट कम्स द बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के केस में अगर ये देखा गया है कि आप सिमिलर सिमिलर टू द वेट, ये भी अपने आप में सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एयरक्राफ्ट ठीक से बैलेंस नहीं है तो मैनूवरिंग ठीक से नहीं कर सकते आप, एयरक्राफ्ट को ठीक से कंट्रोल नहीं कर सकते आप, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू और इन सम केसेस इम्पॉसिबल टू फ्लाई। एंड अगर एयरक्राफ्ट आपका इम्बैलेंस हो गया, मतलब सर्टेन एक विंग का वेट ज़्यादा हो गया, दूसरे विंग का वेट कम है, वैसा कोई कंडीशन हुआ तो ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट होना ही है। अगर एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट होगा तो ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट का डैमेज होगा, जो अंदर बैठे हैं बंदे वो इंजियर होंगे, इन सम केसेस उन लोग मर भी सकते हैं। तो अगर आप एयरक्राफ्ट को सेफली ऑपरेट करना चाहते हैं तो बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अटमोस्ट वन ऑफ द बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा। तो दिस इज़ द प्राइमरी रीज़न वेइंग एंड बैलेंसिंग करने का। वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न क्या बोला? सेफ्टी। सेफ्टी जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक सेकेंडरी रीज़न भी है, दैट इज़ एफिशिएंसी। अगर आप एयरक्राफ्ट को एफिशिएंटली क्लाइम करना चाहते हैं, फ्लाई करना चाहते हैं, मैनूवर करना चाहते हैं, आप क्लाइम योर स्पीड सही स्पीड में अगर आप ऑपरेट करना चाहते हैं, वो सब के लिए आपको इम्प्रॉपर लोडिंग को अवॉइड करना चाहिए। अगर इम्प्रॉपर लोडिंग करोगे, मतलब नोस में ज़्यादा वेट डाल दिया, नोस के उधर सबसे बहुत ज़्यादा लोग को बिठा दिया, पीछे के सीट को पूरा खाली छोड़ दिया, या अपने टेल हैवी कर दिया, कुछ केस में तो वेट को मैक्सिमम लिमिट से कम रखा, वो सब की वजह से जो है ओवरऑल एफिशिएंसी है एयरक्राफ्ट का डिक्रीज़ होता है। ना ही आप ठीक से मैनूवर कर पाओगे, एट द सेम टाइम रेट ऑफ क्लाइम डिक्रीज हो जाएगा, स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगा इम्प्रॉपर लोडिंग के वजह से, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगा। ये दुनिया भर का प्रॉब्लम होता है, वो अच्छी बात नहीं है ऑब्वियसली। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ नोस हैवी एयरक्राफ्ट। अगर आपने दुनिया भर का वेट जो है नोस के नज़दीक डाल दिया तो वैसे केस में क्या होगा कि ऑब्वियसली आपको क्रू ये स्टेबल फ्लाइट में ये फ्लाई करना है, तो इन ऑर्डर टू काउंटर बैलेंस इट ऑब्वियसली आप टेल का ऊपर जो फोर्स गिर रहा है एलिवेटर के ऊपर पूरा अच्छा खासा लोड डाल दोगे आप। एलिवेटर हो गया, फ्लैप्स हो गया, दुनिया भर का लोड जो है आप कंट्रोल सरफेस में डाल दोगे। इसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल ड्रैग जो है क्राफ्ट का इंक्रीज होगा, एडिशनल ड्रैग प्रोड्यूस होगा, राइट?
कंट्रोल सर्विस को डायरेक्टली अब वापस ऑपरेट करने की वजह से ओवरऑल ड्रैग तो इंक्रीज होना ही है, तो ड्रैग इंक्रीज होगा। जब ड्रैग इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली इंजन के ऊपर ज़्यादा पावर डालोगे आप, ड्रैग को काउंटर बैलेंस करने के लिए इंजन पर ज़्यादा पावर डाला जाएगा, स्पेशली स्पीड को मेंटेन रखने के लिए। एंड अगर आप इंजन का पावर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा, फ्यूल का कंजम्पशन ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली पैसेंजर पर लोड आएगा, राइट? तो ये अच्छी बात नहीं है, बिजनेस ठप हो जाएगा जिसकी वजह से। तो इन ऑर्डर टू फ्लाई इन एफिशिएंट मैनर, कम से कम फ्यूल कंजम्पशन के साथ, कम से कम इंजन पावर के साथ, कम से कम ड्रैग के साथ आपका एयरक्राफ्ट जो है ठीक से मैनोवर कर पाता है, क्लाइम ठीक से कर पाता है, फ्यूल कम बहुत कम यूज़ कर, ये सब कंडीशन में आपका एयरक्राफ्ट जो है बेस्ट कंडीशन बोला जाता है। ये सबको रेट ऑफ के सब कुछ अगर विद इन द लिमिट है तो ये अच्छा कंडीशन है। तो अगर आप ठीक से करना चाहते हैं तो आपका एयरक्राफ्ट सही बैलेंसिंग कंडीशन में होना चाहिए, थोड़ा समय दो एयरक्राफ्ट को एंड आपका वो आप वेइंग करो उसका ठीक से एंड बैलेंसिंग ठीक से किया करो, ये तुम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। और एक चीज़ तुम लोग को याद रखना है कि एफिशिएंसी एंड सेफ्टी जो है हो सकता है कि इन सम केसेस कॉन्ट्राडिक्टिव हो, कॉन्ट्राडिक्टिंग मतलब जस्ट टेक एन एग्जांपल, हो ही अगर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ लिफ्ट जो है दोनों एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं तो आपका एयरक्राफ्ट जो है एफिशिएंट, उसका एफिशिएंसी ज़्यादा रहता है, मतलब फ्यूल कंजम्पशन कम रहेगा, कंट्रोल सर्विस में कम से कम लोड देने पड़ेंगे, तो एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रहता है वैसे कंडीशन में। लेकिन आपका सेफ्टी जो है, सेफ्टी के बारे में बात करें तो आप एट द एंड ऑफ द डे ज़मीन में आना है, ज़मीन में आना है तो ऑब्वियसली आपको कंट्रोल सर्विस यूज़ करने पड़ेंगे, तो वैसे कंडीशन में आपको एफिशिएंसी को डिक्रीज़ करना है। आप समझिए मैं एफिशिएंसी जब मैं बोलता हूँ कि एफिशिएंसी जब मैं बोलता हूँ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, अगर आप ड्रैग आपका आयका कम है, फ्यूल कंजम्पशन आयका को कम हो रहा है, वैसे केस में इंजन पावर आप कम यूज़ करते हो तो वैसे कंडीशन वाले एयरक्राफ्ट को एफिशिएंट एयरक्राफ्ट बोलते हैं या एफिशिएंट कंडीशन बोलेंगे, वो कंडीशन को एफिशिएंट कंडीशन बोलेंगे। दूसरा होता है सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी। सेफ्टी अगर एयरक्राफ्ट को अगर सेफली अगर ज़मीन में लाना है तो ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट को अनस्टेबल बनाना पड़ेगा, एयरक्राफ्ट अगर अनस्टेबल नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप ज़मीन में कभी आ नहीं पाओगे, ज़मीन में आ नहीं पाओगे तो जमीन फ्यूल ख़त्म हो से नीचे गिर जाओगे आप। तो बोलने का मतलब यह है कि ये एफिशिएंट कंडीशन में भी सेफ्टी के लिए कुछ कंडीशंस में सही नहीं है, तो यू नीड टू काउंटर बैलेंस ये कब कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब क्रूज़ के लिए आप एफिशिएंट कंडीशन में रखोगे, जब आप ज़मीन में आना चाहते हैं, इवन टेक ऑफ करना चाहते हैं, लैंडिंग करना चाहते हैं, तो यू नीड टू यू नीड टू अनबैलेंस द एयरक्राफ्ट, राइट? एयरक्राफ्ट को अनबैलेंस करना वैसे कंडीशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हियर कम्स द एंड ऑफ द टॉपिक। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछिएगा।